हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज मैं देने वाली हूँ आपको एक खास जानकारी है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगली यह नाम सुनते ही हर व्यक्ति चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है। जिनकी संतान विवाह योग्य हो चुकी है वह बहुत ही अधिक परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में मंगली दोष जीवन को, विवाह को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल प्रभावित करता है। जब तक मंगल के बुरे प्रभावों को समझने का प्रयास किया जाता है, तब तक वह बुराई की हद से भी ज़्यादा गुजर चुका होता है। और यही कारण है कि वर कन्या की जन्म कुंडली मिलाते समय मंगल की स्थिति भी देखी जाती है, क्योंकि कुंडली के कुछ भावों में मंगल यदि होता है तो वह मंगली दोष का कारण बन जाता है। जिनकी कुंडली मंगली है और वे विवाह का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें आवश्यकता से अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। विवाह तय हो जाने के बाद कभी कभी विवाह टूट जाता है, सगाई होने के बाद कभी कभी सगाई टूट जाती है, विवाह के दिन ही कई बार दुर्घटनाएं होती देखी गई हैं। विवाह के बाद जब एक मंगली हो और दूसरा व्यक्ति मंगली ना हो, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, परस्पर तालमेल की जो स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा डगमगा चुकी होती है। कटु संबंधों के कारण साथ रहना मुश्किल हो जाता है, संबंधों में कड़वाहट होती है, एक दूसरे को समझने का प्रयास ही नहीं करते, बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी रहती है। तो कई ऐसी स्थितियां होती हैं, लेकिन इसके साथ ही दूसरे ग्रह जो होते हैं उनका संबंध, गोचर, दशा और किसी भी दूसरे ग्रह का असर जो भी मंगल पे आता है उसको भी देखा जाए तो ये भी जिम्मेदार होते हैं। और मंगली दोष जो होता है, यह कहते हैं कि मंगली जो दोष है वो कट जाता है तो वो एक समय के बाद, अगर मंगल या किसी और इल प्लैनेट का अगर इफेक्ट है, उनकी दशा नहीं आती है, तो इस तरह का बाद में धीरे धीरे प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि मंगली दोष होता ही नहीं है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। मंगली दोष तो होता ही है, और क्या इस समस्या से बचा जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, बचा जा सकता है। और इसका क्या उपाय है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन जो आएगा उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जो हमारे छोटे छोटे रेमेडीज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, जो मंगली दोष का जो उपाय है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो उपाय इतना बढ़िया और अचूक उपाय है, अगर विवाह होने वाला है और दोनों में से एक मंगली है एक मांगलिक नहीं है, तो आप किसी बहुत ही विद्वान कर्मकांडी पंडित से पूछ करके घट विवाह या और दूसरी पूजा भी करवा सकते हैं मंगल दोष को कम कराने के लिए। अगर दोनों मांगलिक हैं तो बहुत ही अच्छा है। और इन केस कुछ ऊंच नीच भी है, जैसे ग्रहों के मंगली पूरा तरह से आंशिक मंगली है, या बहुत इस तरह के कोई कई एक जो इल प्लैनेट का इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग दोष कितना कम है क्या ज़्यादा है, उसके बाद भी विवाह हो जाता है और विवाह के बाद भी तालमेल की स्थिति नहीं बन पाती, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ वो बहुत बढ़िया उपाय है, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है, भगवान ना करे कभी भी, मैं तो यही कहूँगी, शुभकामनाएँ हैं मेरी सभी के साथ कि वैवाहिक जीवन सुखी रहे सबका। दोस्तों, इनकेस अगर ऐसी कोई बात है, अगर वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो आप सुंदर कांड का पाठ बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। और हस्बैंड वाइफ दोनों ही अगर सुंदर कांड का पाठ पढ़ते हैं, करते हैं रोज़, तो वैवाहिक जीवन में जो भी तनाव है, जो भी वैवाहिक जीवन की स्थिति खराब हो रही है और आपसी तालमेल नहीं है, प्रेम में कमी है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप सुंदरकांड का पाठ रोज़ करिए। उससे आपका धीरे 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 जो मंगल का प्रभाव है बहुत कम होता चला जाएगा, और एक न एक दिन आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी जिससे कि जो भी विवाह में जो भी जितनी भी अड़चनें आ रही हैं आपके लाइफ में, और जो भी आपस में लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा पूरी तरह से आपका, और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सुंदरकांड का पाठ करना मत छोड़िएगा दोस्तों, ये एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ये अचूक उपाय है। अगर आप इसको करते हैं तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही बढ़िया चमत्कारिक रूप से, इसके बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेंगे, आप कहेंगे कि वास्तव में बहुत ही बढ़िया उपाय है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।